हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सरकारी नौकरी का। ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आप एलिजिबल हैं, साथ ही साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब रहेगा, मतलब कि सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाता है। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर, अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स यहां पे 15 लाख रुपए पर एनुअल तक आपको सीटीसी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे बात कीजिए अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो इसका जो अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस पर डिपेंड करने वाला है। वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा अंत तक, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 1200 प्लस आपको लाइक करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाता है और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप लिंक्डइन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, और अगर आप फेसबुक का यूज़ करते हैं तो फेसबुक ग्रुप भी बना रखा है जहाँ पे 25,000 लोग अभी तक ऐड हो चुके हैं। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका यहाँ पर लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। और शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है वो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक पीएसयू आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दिए है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। सैलरी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है, और ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पोजीशन के लिए निकाला गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए, जिसमें आपका E2 ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। अब बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो 560 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे माइनिंग ब्रांच एलिजिबल है, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जियोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पेपर कोड यहाँ पे दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है, गेट का पेपर कोड यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका रहेगा गेट के पेपर कोड के स्कोर कार्ड के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात की जाए यहाँ पे किसका अप्लीकेशन फॉर्म कब से एक्टिवेट हो चुका है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 13 सितंबर से, और लास्ट डेट जो इसका रहेगा 12 अक्टूबर इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो 12 अक्टूबर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन और परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो माइनिंग के अंदर अगर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। सिविल के अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और जियोलॉजी में अगर आपने एमएससी कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है जियोलॉजी के अंदर, और अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर जियोफिजिक्स के अंदर, अप्लाइड जियोफिजिक्स में 60% के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि आपके 60% आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होने जरूरी है, 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे।
बाकी यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है परसेंटेज के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आपका सिविल इंजीनियरिंग रहेगा वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने आर्किटेक्चर से कर रखा है, स्ट्रक्चरल में कर रखा है, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इससे रिलेटेड ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगी, तो यहाँ पे वही ब्रांच एलिजिबल है जो कि यहाँ पे एलआईड ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। साफ साफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अप्लीकेशन फ़ीस जो आपका रहेगा, बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन फ़ीस रखा है यहाँ पे, 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप UR और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने हैं, और इसके अंदर 180 रुपये आपका GST लगेगा, जो कि 1180 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं और कोल इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे नहीं करना, फ्री के फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया के बारे में, तो 30 साल एज लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 31 अगस्त 2023 तक UR और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि पोस्टिंग आपका कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे पोस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया का जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेडिकल एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इन्होंने एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा रखा है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इस ईमेल आईडी पे आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे वो आपको रिवर्ट करेंगे अगर आपको ईमेल के थ्रू इनसे सवाल पूछते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।